तिवारीपुर थाने की पुलिस ने वाहन के चेचिस को कूट रचना के अदला बदली करते हुए फर्जी तरीके से कागज बनवाकर चार पहिया वाहनों का विक्रय करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अज्जू उर्फ दिलशाद पुत्र आसिफ जमा निवासी जफर कॉलोनी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा राशिद अली पुत्र आबिद अली निवासी न्यू कॉलोनी गाजी रोजा वार्ड नंबर 63 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक कार, एक गैस कटर, एक सड़सी, एक छीनी, एक हथौड़ी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा उपकरणों के प्रयोग से गाड़ियों के चेचिस नंबर को कूट रचित कर अदला बदली करते हुए फर्जी तरीके से कागजात बनवाकर चार पहिया वाहनों का विक्रय कर धन अर्जित किया जाता है, जिसको देखते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक बांके यादव, पंकज यादव, कांस्टेबल शुभम चौधरी, विपिन गौतम, धर्मांतर वर्मा, अंजनी कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना तिवारीपुर को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें गाड़ी कटान की एक गैंग जिसके दो सदस्य हैं, जो कि दो पिछले कई सालों से गाड़ी कटान का काम करते हैं, उन्होंने फॉक्सवैगन पोलो की एक गाड़ी का चेसिस काट के दूसरी गाड़ी पर लगाया और उसी अनुक्रम में उन पर एक अन्य गाड़ी के साथ भी गाड़ी कटान करना और अनऑथोराइज रूप से गाड़ी कटान करने के अभियोग में उनको दो लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर 419B 67 71 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।